नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता गायत्री प्रजापति के घर सीबीआई ने छापा मारा है। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की टीम आज अमेठी स्थित प्रजापति के आवास पर पहुंची। माना जा रहा है कि अवैध खनन मामलों की जांच को लेकर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। फिलहाल गायत्री के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। गायत्री प्रजापति सपा सरकार में खनन मंत्री रहे हैं, उन पर अवैध खनन के भी आरोप लगे हैं। इसके साथ ही वह महिला के साथ गैंगरेप मामले में भी आरोपी हैं। लखनऊ कोर्ट की सीजेएम संध्या श्रीवास्तव ने अपहरण और छेड़छाड़ के मामले में यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने प्रथम दृष्टया अभियुक्त गायत्री के इस अपराध को गंभीर और अजमानतीय करार दिया है। वही महिला के साथ गैंगरेप के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका को हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो चुकी है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड की रहने वाली पीड़िता का आरोप था कि मोरंग का पट्टा दिलाने के नाम पर गायत्री व उसके साथियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, गायत्री ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। बाईस वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।